संगम विहार इलाके में स्ट्रीट क्राइम की वारदात में बदमाशों ने एक युवक का पैर तोड़ दिया पीड़ित की गलती बस इतनी थी कि उसने लूट का विरोध किया था लूट के इस मामले में शामिल रहे दोनों बदमाशों को अब पुलिस ने पकड़ लिया है उनकी पहचान गली नंबर एक संगम विहार निवासी मनीष और गौरव व डी ब्लॉक संगम विहार निवासी विक्की और शक्ति उम्र लगभग अट्ठाईस वर्ष के तौर पर हुई पुलिस ने इनके पास से लूटा गया मोबाइल बैग टिफिन और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट अतुल कुमार ठाकुर ने बताया लूट की यह वारदात संगम विहार इलाके में 18 मार्च को हुई थी बदमाशों ने पीड़ित से उसका मोबाइल एक जिम बैग आई कार्ड बस ए कार्ड और साढ़े तीन हजार रूपए रात करीब साढ़े ग्यारह बजे लूट लिए थे घटना का विरोध करने पर बदमाशों ने ईट मार उसके पैर को फ्रैक्चर कर दिया था पीड़ित ने पुलिस को वारदात में इस्तेमाल बाइक का नंबर बताया जो डीएल तीन था बाइक अपाचे मॉडल नीले रंग की थी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की जिसमें लुटेरे तो नजर आए लेकिन बाइक का नंबर साफ नहीं दिखा इसके बाद पुलिस ने दिल्ली में रजिस्टर्ड नीले रंग की अपाचे बाइक का डाटा निकलवाया जिसके बाद बताए गए चार डिजिट नंबर पर आकर जांच ठहर गई। उस नंबर के रजिस्टर्ड पते पर पुलिस पहुंच गई। हालांकि तब घर पर कोई बाइक खड़ी नहीं मिली उसी दिन देर रात अडेढ़ बजे पुलिस ने फिर से घर पर रेड डाली जहाँ से मनीष को पकड़ा गया बाइक भी वही मिल गयी आरोपी के पास से लूटा गया मोबाइल भी मिल गया आरोपी से हुई पूछताछ के बाद इसके सहयोगी विक्की को भी पकड़ लिया गया सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम ऐसी आप रहे जागरूक